हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूँ सोनम और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सो एज आई एम डूइंग वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो मैंने सोचा ऐसे किसी टॉपिक से स्टार्ट क्यों ना किया जाए जिसमें आप सभी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी इंग्लिश फ्रेसेस। इंग्लिश फ्रेसेस आपको ऐसी बहुत सारी बातें बोलने में मदद करते हैं जो आप अदरवाइज नहीं बोल पाते। जैसे अगर आप ये बोलना चाहें कि उसकी बात में दम है, तो आप ये नहीं बोल पाएंगे। इनफैक्ट बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर भी दो बार सोचेगा ये सेंटेंस बोलने में। या अगर आप बोलना चाहें कि मुझे हल्के में मत लो, या अगर आप जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, राइट, कोरोना बहुत फैला हुआ है, इट्स द टाइम ऑफ कोरोना पेंडेमिक, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि कोरोना की वजह से मेरी नौकरी दांव पर है, तो दांव पर होना, या फिर मुझे हल्के में मत लो, या मेरी बात में दम है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने के लिए आपको इंग्लिश फ्रेसेस आना चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा और जो मैंने आपको फ्रेसेस बताए हैं वो आपने बहुत अच्छे से सीखे, तो ट्रस्ट मी, आप इसी वीडियो के एंड तक अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे अगर आप बोलना चाहेंगे ना कि हम दोनों के बीच में मैंने पहल की और बात की शुरुआत की, तो ये भी बोलने के लिए आपको एक फ्रेस यूज़ करना पड़ेगा, ब्रेक द आइस। तो इस तरीके के फ्रेसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट फ्रेस आज का, जो कि है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में या फिर दांव पर। एग्जाम्पल देखिए, द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इज एट स्टेक। द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इज एट स्टेक। मैनकाइंड मतलब मानव जाति, तो इसका क्या मतलब हुआ? मानव जाति का भविष्य दांव पर है, या मानव जाति का भविष्य खतरे में है। या अगर आप इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा बोलना चाहें कि कोरोना की वजह से मेरी जॉब खतरे में है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना और ड्यू टू कोरोना माई जॉब इज एट स्टेक। ओके, तो एट स्टेक एक बहुत यूजफुल फ्रेज है। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, योर डिसीजन विल पुट आर लाइव्स एट स्टेक। योर डिसीजन विल पुट आर लाइव्स एट स्टेक, यानी तुम्हारा निर्णय हमारे जीवन को खतरे में डाल देगा, या तुम्हारा डिसीजन हमारी लाइव्स को दांव पर लगा देगा। तो एट स्टेक ऐसे यूज होता है, एक बहुत बहुत यूजफुल और बोलचाल वाला फ्रेज है। अगर आप इसे यूज नहीं करते हैं तो आप आज से इसे प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज आज का, जो कि है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब होता है फिलहाल या फिर इस समय। बहुत बहुत सिंपल फ्रेज है, मीनिंग से ही पता चल रहा है, और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी बहुत ईजी है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम ड्रेडफुली बिजी एट द मोमेंट। आई एम ड्रेडफुली बिजी एट द मोमेंट। ड्रेडफुली मतलब बेहद, यहाँ पर आप वेरी भी बोल सकते थे, जैसे आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट, तो इसका मतलब होता है मैं इस समय बेहद व्यस्त हूँ, मैं इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का, आई कांट लीव दिस जॉब एट द मोमेंट। I cannot leave this job at the moment. यानी मैं इस समय नौकरी नहीं छोड़ सकता, मैं फिलहाल नौकरी नहीं छोड़ सकता। ओके, तो एट द मोमेंट भी एक बहुत अच्छा फ्रेज है। नेक्स्ट फ्रेज है आज का हमारा हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट भी आपने बहुतों को यूज़ करते हुए सुना ही होगा ऑलरेडी। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठोर, कट्टर, या फिर अपरिवर्तनीय, यानी ऐसा कुछ जिसको आप बदल ही नहीं सकते हो, बहुत हार्ड एंड फास्ट, बहुत कठोर। और यहाँ पर मैंने कठोर के बाद नियम इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि ज़्यादातर हार्ड एंड फास्ट रूल के पहले यूज़ होता है, यानी हार्ड एंड फास्ट के बाद रूल हम अक्सर यूज़ करते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। तो पहले आप हार्ड एंड फास्ट का पहला एग्जांपल देखिए, जो कि है दिस सिचुएशन इजंट हार्ड एंड फास्ट। दिस सिचुएशन इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, यानी ये कोई कठोर या बहुत अपरिवर्तनीय स्थिति नहीं है, यानी ये एकदम कट्टर स्थिति नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते हो। ओके, ये चेंजेबल है, दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट। और सेकेंड एग्जाम्पल इसका ये है, देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स अबाउट स्मोकिंग हेयर। देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, यानी यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट यानी बहुत कट्टर नियम नहीं है अबाउट स्मोकिंग हेयर, यानी यहाँ पर स्मोकिंग को लेके या धूम्रपान को लेके कोई बहुत कठोर नियम नहीं है। तो हार्ड एंड फास्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रूल्स के पहले। जैसे अब मैं ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं 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 यहाँ पर ऐसा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो हार्ड एंड फास्ट रूल यानी बहुत कठोर नियम या बहुत कट्टर नियम। तो हार्ड एंड फास्ट भी बहुत बोलचाल वाला फ्रेज है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज आज का, जो कि है टू बीट द एयर। टू बीट द एयर यानी हवा को मारना। तो क्या हवा को मारना पॉसिबल है? नहीं, ये बेकार है। तो इसीलिए टू बीट द एयर फ्रेज का मतलब ही होता है बेकार की कोशिश करना। एग्जाम्पल देखिए,
टू आर्ग्यू विद हिम इज लाइक बीटिंग द एयर. टू आर्ग्यू विद हिम इज लाइक बीटिंग द एयर, यानी उससे बहस करना बेकार की कोशिश करना, यानी उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, उसको समझ तो आता नहीं है. तो टू बीट द एयर का मतलब हुआ बेकार की कोशिश करना. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर. डोंट ट्राई टू कन्विंस मी. डोंट ट्राई टू कन्विंस मी, ऑल यू आर डूइंग इज टू बीट द एयर. यानी डोंट ट्राई टू कन्विंस मी, मुझे समझाने की कोशिश मत करो. ऑल यू आर डूइंग इज टू बीट द एयर, तुम बेकार की कोशिश कर रहे हो. नेक्स्ट फ्रेज है आज का हमारा स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स इसका मतलब होता है भेद खोलना या रहस्य उजागर करना. एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर. दिस इज अ सीक्रेट, डोंट स्पिल द बीन्स टू एनीबडी. दिस इज अ सीक्रेट, डोंट स्पिल द बीन्स टू एनीबडी. यानी ये एक रहस्य है. दिस इज अ सीक्रेट, किसी को बताना मत या किसी के सामने भेद या रहस्य खोलना मत. डोंट स्पिल द बीन्स टू एनीबडी. इसी के ऊपर सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. कम ऑन स्पिल द बीन्स. कम ऑन यानी चलो अब रहस्य खोल भी दो. कम ऑन स्पिल द बीन्स, तो ये भी एक अच्छा फ्रेज है. आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज जो कि है नाइन डेज वंडर. नाइन डेज वंडर का मतलब होता है चार दिन की चांदनी या फिर थोड़े टाइम रहने वाली चीज़, जो कुछ दिन चलेगी फिर उसका कोई मतलब कोई तामझाम रह नहीं जाता है. नाइन डेज वंडर, चार दिन की चांदनी. एग्जाम्पल देखिए. इट्स अ नाइन डेज वंडर. सिंपली किसी के बारे में बोलते हैं ना कि अरे कुछ नहीं ये चार दिन की चांदनी है. अरे इट्स नथिंग, इट्स जस्ट नाइन डेज वंडर. इट्स नाइन डेज वंडर का मतलब होता है ये चार दिन की चांदनी है. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसी के ऊपर. हर मैरिज वॉज अ नाइन डेज वंडर. हर मैरिज वॉज अ नाइन डेज वंडर, नो वन टॉक्स अबाउट इट नाउ. यानी उसकी शादी चार दिन की चांदनी थी. नो वन टॉक्स अबाउट इट नाउ, अब उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है. तो नाइन डेज वंडर मतलब चार दिन की चांदनी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कुछ समय हो फिर वो ना रहे. ओके नेक्स्ट फ्रेज है आज का ऑन द कफ. ऑन द कफ का मतलब होता है उधार पर या फिर ऋण के रूप में उधार का. एग्जाम्पल देखिए. ही इंजॉयड हिज मील बिकॉज इट वॉज ऑन द कफ. ही इंजॉयड हिज मील बिकॉज इट वॉज ऑन द कफ. यानी उसने अपने खाने का आनंद लिया यानी एकदम मज़े से डट के खाया बिकॉज इट वॉज ऑन द कफ, क्योंकि वो उधार का था. कई लोगों की आदत होती है अपने पैसे पे तो खर्च नहीं करते हैं बट उधार के पैसों को बढ़िया एकदम शान से उड़ाते हैं. तो इसी के ऊपर एग्जाम्पल है. ही इंजॉयड हिज मील बिकॉज इट वॉज ऑन द कफ. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑन द कफ के ऊपर. आई बॉट माई कार ऑन द कफ. I bought my car on the cuff. मैंने अपनी कार उधार पर खरीदी. ओके एनीवे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज जो कि है ऑन एंड ऑफ. ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है कभी कभी या यदा कदा. यहाँ पर आप ऑफ एंड ऑन भी बोल सकते हैं, इसका मतलब भी ऐसा ही होता है कभी कभार या कभी कभी. एग्जाम्पल देखिए. आई फील बेटर ऑन एंड ऑफ. आई फील बेटर ऑन एंड ऑफ मतलब मैं कभी कभी अच्छा महसूस करता हूँ. बट आई एम नॉट वेल येट. बट आई एम नॉट वेल येट लेकिन मैं अभी तक ठीक नहीं हूँ. ओके तो ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा बोलचाल में यूज़ होता है. जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या तुम मार्केट जाती हो तो आप बोल सकते हैं हाँ ऑन एंड ऑफ, यानी हाँ कभी कभी. तो ऑन एंड ऑफ ऐसे ही बोलचाल में यूज़ होता है. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसी के ऊपर. इट रेंड ऑन एंड ऑफ ऑल डे. इट रेंड ऑन एंड ऑफ ऑल डे यानी पूरे दिन रुक रुक कर, यानी कभी हाँ कभी ना जैसे बारिश होती रही. यहाँ पर आप ऑन एंड ऑफ की जगह ऑफ एंड ऑन भी बोल सकते थे, जैसे इट रेंड ऑफ एंड ऑन ऑल डे, दोनों सेम है. नेक्स्ट फ्रेज है आज का हमारा इन द गुड बुक्स ऑफ. इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है किसी का प्रिय होना, यानी किसी की नज़रों में अच्छा होना. एकदम फेवरेट नहीं होना होता है गुड बुक्स में होना. मतलब कोई अगर आपके बारे में अच्छा सोचे तो आप बोल सकते हैं अरे मैं उसकी गुड बुक्स में हूँ. तो इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब किसी की नज़रों में अच्छा होना. एग्जाम्पल देखिए. ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हिज प्रिंसिपल. ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हिज प्रिंसिपल इसका मतलब वो अपने प्राचार्य यानी अपने प्रिंसिपल का प्रिय है. यहाँ पर प्रिय मतलब फेवरेट नहीं है, यानी अपनी अपने प्रिंसिपल की नज़रों में वो अच्छा है. ओके इन द गुड बुक्स ऑफ. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसी के ऊपर. आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू हर गुड बुक्स. आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू हर गुड बुक्स यानी मैं उसकी नज़रों में अच्छा होने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं उसकी गुड बुक्स में जाने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पर आप गुड बुक्स की जगह पे बैड बुक्स यूज़ करेंगे तो वही होता है कि किसी की नज़रों में बुरा होना, ऑपोजिट इसका. जैसे ही इज़ इन द बैड बुक्स ऑफ हिज प्रिंसिपल यानी वो अपने प्राचार्य की नज़रों में अच्छा नहीं है. ओके नेक्स्ट फ्रेज है आज का. टर्न अ डीफ ईयर टू.
टर्न अ डीफ ईयर टू, इसका मतलब होता है नज़रअंदाज करना या अनसुना कर देना। अच्छा फ्रेज है ये भी, बोलचाल में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, ही टर्न अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। ही टर्न अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, इसका मतलब उसने मेरी विनती को नज़रअंदाज कर दिया, उसने मेरी रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज यानी अनसुना कर दिया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टर्न अ डीफ ईयर टू के ऊपर, डोंट टर्न अ डीफ ईयर व्हेन समवन नीड्स हेल्प। डोंट टर्न अ डीफ ईयर यानी एकदम अनसुना मत करिए, व्हेन समवन नीड्स हेल्प यानी जब किसी को मदद की ज़रूरत हो, जब किसी को मदद की ज़रूरत हो तो नज़रअंदाज ना करें। ओके अच्छा फ्रेज है ये भी, बोलचाल वाला है। ये सारे इनफैक्ट फ्रेज बहुत अच्छे हैं, अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ इनके अलावा अगर आप और एग्जांपल बना के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको वो आपके फ्लो में आ जाएगा, उनको आप ऐसे ही अपने बोलचाल में यूज़ कर पाएंगे। ओके एनीवे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज आज का, जो कि है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का क्या मतलब होता है? गुस्से में या फिर एकदम लड़ने को तैयार। जैसे अभी करंटली सुशांत केस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इसीलिए रिया चक्रवर्ती जो कि प्राइम अक्यूज्ड है उसके खिलाफ पूरा नेशन बहुत गुस्से में है, तो आप ऐसा एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, द होल नेशन इज अप इन आर्म्स अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती, यानी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पूरा देश अभी बहुत गुस्से में है, एकदम लड़ने को तैयार है। यहाँ पर आप चाइना बोलते, जैसे द होल नेशन इज अप इन आर्म्स अगेंस्ट चाइना, चाइना के खिलाफ अभी पूरा देश गुस्से में है। तो इस तरीके से अप इन आर्म्स का मतलब होता है गुस्से में या एकदम लड़ने को तैयार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अप इन आर्म्स के ऊपर, माई मॉम वॉज रियली अप इन आर्म्स वेन आई केम बैक लेट। My mom was really up in arms when I came back late. यानि जब मैं देर से वापस आया तो मेरी माँ सच में बहुत गुस्से में थी, she was up in arms. Okay? तो ये भी एक अच्छा phrase है। Next phrase है आज का हमारा take into account. Take into account तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा phrase है, अगर आप इसको use करेंगे ना तो आपकी language काफ़ी standard लगेगी। Okay? तो take into account का क्या मतलब होता है? विचार करना या ध्यान में रखना, जिसको हम simply consider करना भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टेक इन टू अकाउंट योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। टेक इन टू अकाउंट योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस यानि अपनी खुद की ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखें। जैसे बोलते हैं ना कि तुम नौकरी के लिए जा रही हो पर अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को कंसिडर करना यानी उसका ध्यान रखना, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं टेक इन टू अकाउंट योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके ऊपर, वन मोर थिंग टू टेक इन टू अकाउंट इज, यानी आप ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारी बातों के बाद ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन एक और बात ध्यान रखना या एक और बात ध्यान रखने लायक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं वन मोर थिंग टू टेक इन टू अकाउंट इज, यानी एक और बात का ध्यान रखना है कि इसके बाद आप जो भी बात बोलना चाहें आप वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है होल वाटर। होल वाटर वैसे तो आपको अजीब लग रहा होगा दिखने में ये फ्रेज, बट इतना अजीब नहीं है क्योंकि इसका मीनिंग बहुत यूजफुल है। होल वाटर का मतलब होता है विश्वास योग्य होना या बात में दम होना। एग्जाम्पल देखिए, हिज ओपिनियन डज नॉट होल्ड वाटर। हिज ओपिनियन डज नॉट होल्ड वाटर यानि उसकी राय में, उसकी ओपिनियन में दम नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल इसी के ऊपर देखिए, हिज स्टोरी डज होल्ड वाटर। हिज स्टोरी डज होल्ड वाटर यानि उसकी कहानी में दम है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि डज का यूज़ क्यों हुआ, तो जब हम अपनी बात को बहुत जोर देके बोलना चाहें तब हम डू या डज का यूज़ करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, हो सका तो कभी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी ये। तो हिज स्टोरी डज होल्ड वाटर का मतलब होता है उसकी कहानी में दम है, होल्ड वाटर। एनीवे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज जो कि है टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है महत्व नहीं समझना या हल्के में लेना, यानी अगर किसी की बात को आप बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दें, किसी को बहुत लाइटली लें, तो उसके लिए हम बोलते हैं टेक फॉर ग्रांटेड। ये बहुत 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 यूजफुल फ्रेज है, हर एक जो अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं यूज़ करते ही हैं इस फ्रेज को। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, डोंट टेक हिज हेल्प फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक हिज हेल्प फॉर ग्रांटेड यानि उसकी मदद को हल्के में मत लो, यानि उसकी मदद को का महत्व समझो, उसने तुम्हारी मदद की है तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, हल्के में मत लो। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे के ऊपर, ही टेक्स हिज वाइफ फॉर ग्रांटेड। ही टेक्स हिज वाइफ फॉर ग्रांटेड यानी वो अपनी पत्नी का महत्व नहीं समझता, उसे हल्के में लेता है, या सिंपली इसे आप बिना इंग्लिश के भी ऐसा बोल सकते हैं ना कि वो हमेशा मुझे फॉर ग्रांटेड लेता है, या उसकी उसकी मदद को तुम फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। तो फॉर ग्रांटेड यानी महत्व नहीं समझना या हल्के में लेना। नेक्स्ट फ्रेज है आज का हमारा सम एंड सब्सटेंस।
सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश, सार या फिर मुख्य बिंदु, जिसे हम समरी कहते हैं। यानी बहुत सारी बातों को हम कम शब्दों में एकदम उसको कंक्लूड करें, समरी बताएं, तब हम बोलते हैं सम एंड सब्सटेंस बताओ इस बात का, सम एंड सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखिए, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हर आर्ग्यूमेंट इज जस्ट मनी। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हर आर्ग्यूमेंट इज जस्ट मनी। यानी कोई अगर आपसे बहुत बहस करे तो आप बोलते हैं ना कि अरे उसकी पूरी बात का जो मेन सार है, जो सारांश है, वो है पैसा। तो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हर आर्ग्यूमेंट इज जस्ट मनी, यानी उसकी बहस का मुख्य बिंदु सिर्फ पैसा है, इसी के लिए वो बहस कर रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी डोंट हैव मच टाइम। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, वी डोंट हैव मच टाइम, सो लेट्स जस्ट गेट टू द सम एंड सब्सटेंस स्ट्रेट अवे। सो लेट्स जस्ट गेट टू द सम एंड सब्सटेंस, तो चलो एकदम अभी सीधे सारांश पर आओ, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो सीधा सारांश पर यानी मेन पॉइंट्स पर आओ, समरी पर आओ। तो ये एक अच्छा फ्रेज है, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी लैंग्वेज अच्छी लगेगी। नेक्स्ट फ्रेज है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल इसका मतलब होता है पूरी तरह से या फिर पूर्णता से, कंप्लीटली। एग्जाम्पल देखिए, शी थ्रू हरसेल्फ बॉडी एंड सोल इन टू हर वर्क। शी थ्रू हरसेल्फ बॉडी एंड सोल इन टू हर वर्क, यानी उसने अपने आप को पूरी तरह से, बॉडी एंड सोल पूरी तरह से अपने काम में लगा दिया। शी थ्रू हरसेल्फ बॉडी एंड सोल इन टू हर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके ऊपर, ही फॉट बॉडी एंड सोल फॉर हिज कंट्री। ही फॉट बॉडी एंड सोल फॉर हिज कंट्री, यानी उन्होंने अपने देश के लिए पूर्णता से, बॉडी एंड सोल एकदम पूरी तरह से लड़ाई की। ही फॉट बॉडी एंड सोल फॉर हिज कंट्री। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज जो कि है गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर यानी कठिन चुनौतियों का सामना करना, हर मुश्किल या परेशानी को झेलना। गो थ्रू फायर एंड वाटर। एग्जाम्पल देखिए, ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर हर। ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर हर, यानी उसके लिए वो कठिन से कठिन चुनौती को भी झेल लेगा, हर परेशानी का वो सामना कर लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फ्रीडम फाइटर्स वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू गेट इंडिया इंडिपेंडेंस। फ्रीडम फाइटर्स वेंट थ्रू फायर एंड वाटर। फ्रीडम फाइटर्स ने हर मुश्किल या कठिन चुनौतियों का सामना किया टू गेट इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिया को यानी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो ये भी एक अच्छा फ्रेज है। नेक्स्ट फ्रेज है आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर, आउट ऑफ थिन एयर का मतलब होता है अचानक या जिसकी उम्मीद ना हो, एकदम से आपके सामने कुछ आ जाए तो आप बोलते हैं इट केम आउट ऑफ थिन एयर। ओके, यानी अचानक, ना उम्मीदी भरा। एग्जाम्पल देखिए, हिज सक्सेस डिड नॉट कम आउट ऑफ थिन एयर। हिज सक्सेस डिड नॉट कम आउट ऑफ थिन एयर, यानी उसे सफलता अचानक नहीं मिली, उसने बहुत मेहनत की, ही वर्कड हार्ड फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके ऊपर, योर कजन अराइव्ड आउट ऑफ थिन एयर एट द पार्टी। योर कजन अराइव्ड आउट ऑफ थिन एयर एट द पार्टी, यानी पार्टी में तुम्हारा कजन अचानक आ गया। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे लिस्ट में, लेट द कैट आउट ऑफ बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है राज खोल देना या रहस्य उजागर करना। इसी का एक और मैंने आपको फ्रेज बताया था इसी मीनिंग के ऊपर, जो कि था स्पिल द बीन्स, और ये भी एक तरीका होता है इसी बात को बोलने का, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी मैंने गलती से राज खोल दिया। सेकेंड एग्जाम्पल इसके ऊपर, हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी रहस्य किसने उजागर किया। तो अगर ये फ्रेज आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है, अगर आप इसे लैंग्वेज में यूज़ नहीं भी करेंगे तो आप उसको एटलीस्ट सीख जाइए, बिकॉज अगर सामने से कोई ऐसा बोल रहा है हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि बैग से बिल्ली को किसने बाहर निकाला। ऑलराइट, एनीवे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज आज का, जो कि है फाइट टू द बिटर एंड। फाइट टू द बिटर एंड जिसका मतलब होता है आखिरी दम तक। एग्जाम्पल देखिए, दे फॉट टू द बिटर एंड। दे फॉट टू द बिटर एंड, यानी वे आखिरी दम तक लड़े। फाइट टू द बिटर एंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी के ऊपर, विक्ट्री और डिफीट वी शुड फाइट टू द बिटर एंड। विक्ट्री और डिफीट वी शुड फाइट टू द बिटर एंड, यानी जीत या हार हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए, कुछ भी हो हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। वी शुड फाइट टू द बिटर एंड। नेक्स्ट फ्रेज है गो अ लॉन्ग वे। गो अ लॉन्ग वे का मतलब होता है लंबा जाना, सफल होना, सक्सीड होना। ओके, एग्जाम्पल देखिए, अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को देख के ऐसा अगर आपको लगे कि वो सफल होगा तो आप कैसा बोलते हैं, मुझे लगता है वो बहुत आगे जाएगा, तो आप बोलते हैं दैट बॉय विल गो अ लॉन्ग वे आई एम श्योर।
दैट बॉय विल गो अ लॉन्ग वे आई एम श्योर, यानी वो लड़का बहुत आगे जाएगा मुझे यकीन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी के ऊपर, ऑल पेरेंट्स होप दैट देयर चिल्ड्रन विल गो अ लॉन्ग वे इन देयर लाइफ्स. ऑल पेरेंट्स होप दैट देयर चिल्ड्रन विल गो अ लॉन्ग वे इन देयर लाइफ्स, यानी सभी माता पिता को उम्मीद होती है कि उनके बच्चे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे. ओके, तो गो अ लॉन्ग वे का मतलब होता है सफल होना. नेक्स्ट फ्रेज है थ्रो डस्ट इन समवन्स आइज. थ्रो डस्ट इन समवन्स आइज मतलब किसी की आंखों में धूल झोंकना, जिसका सीधा मतलब होता है धोखा देना. एग्जाम्पल देखिए, टेल मी द ट्रूथ, यू कांट थ्रो डस्ट इन माई आइज. टेल मी द ट्रूथ यानी मुझे सच बताओ, यू कांट थ्रो डस्ट इन माई आइज यानी तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, यानी मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते. बहुत सिंपल फ्रेज है, एकदम उसकी मीनिंग से ही क्लियर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसी के ऊपर, ही इज अर्निंग मनी बाय थ्रोइंग डस्ट इन कस्टमर्स आइज. ही इज अर्निंग मनी बाय थ्रोइंग डस्ट इन द कस्टमर्स आइज, यानी वो ग्राहक की आंखों में धूल झोंक कर पैसा कमा रहा है, यानी उन्हें धोखा देकर पैसा कमा रहा है. नेक्स्ट फ्रेज है हमारी लिस्ट में, एंड इन अ फिएस्को. एंड इन अ फिएस्को एक बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज फ्रेज नहीं है, इसका मीनिंग शायद आपको नहीं पता हो. मीनिंग सिंपल है, यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ. एंड इन अ फिएस्को का मतलब होता है असफल हो जाना. एग्जाम्पल देखिए, द मीटिंग एंडेड इन अ फिएस्को एज नो वन केम ऑन टाइम. द मीटिंग एंडेड इन अ फिएस्को एज नो वन केम ऑन टाइम का मतलब होता है मीटिंग सफल नहीं हो पाई क्योंकि कोई टाइम पर नहीं आया, यानी वो फेल हो गई, असफल हो गई मीटिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, हिज प्लान टू गेट द जॉब एंडेड इन अ फिएस्को. हिज प्लान टू गेट द जॉब एंडेड इन अ फिएस्को यानी उसकी नौकरी पाने की योजना असफल हो गई, सफल नहीं हो पाई. तो एंड इन अ फिएस्को भी एक अच्छा फ्रेज है, आप इसे यूज़ करना सीख जाइए, बहुत ईजिली आप इसे यूज़ कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज जो कि है ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना या फिर पहल करना. एग्जाम्पल देखिए, आई सेंट हर अ टेक्स्ट टू ब्रेक द आइस. आई सेंट हर अ टेक्स्ट टू ब्रेक द आइस यानी बातचीत शुरू करने के लिए मैंने उसे एक मैसेज भेजा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी के ऊपर, फाइनली ही ब्रोक द आइस एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द मूवीज. फाइनली ही ब्रोक द आइस एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द मूवीज यानी आखिर उसने पहल की, उसी ने यानी बातचीत की शुरुआत की. ही ब्रोक द आइस एंड फिल्मों के बारे में बात करना शुरू किया. तो ब्रेक द आइस भी एक अच्छा कॉमनली यूज फ्रेज है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट फ्रेज है वाइट एलिफेंट. वाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है, एक फालतू चीज़ जो बहुत खर्चीली हो. जैसा कि आप समझ सकते हैं कि वाइट एलिफेंट किसी के काम का नहीं है, बट डेफिनेटली इट कॉस्ट मोर देन वन कैन इमेजिन, यानी आपके इमेजिनेशन से तो बहुत महंगा होगा वो. तो वाइट एलिफेंट का मतलब ही होता है एक फालतू चीज़ जो बहुत खर्चीली हो. एग्जाम्पल देखिए, दिस कार इज रियली अ वाइट एलिफेंट टू मी. दिस कार इज रियली अ वाइट एलिफेंट टू मी यानी ये कार वास्तव में मेरे लिए फालतू चीज़ है, यानी खर्चा बहुत हो रहा है मेरा पर मेरे उतने काम की नहीं है. वाइट एलिफेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, दैट बिग साइज डेस्क इज अ वाइट एलिफेंट टू हिज रूम. दैट बिग साइज डेस्क इज अ वाइट एलिफेंट टू हिज रूम, इसका मतलब वो बड़ी डेस्क उसके कमरे के हिसाब से एक फालतू और खर्चीली चीज़ है, एक वाइट एलिफेंट के जैसे है जो बहुत काम की नहीं है. नेक्स्ट फ्रेज है बाय ऑल अकाउंट्स या फिर फ्रॉम ऑल अकाउंट्स. आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑब्लिक लिखा हुआ है बाय ऑल अकाउंट्स और फ्रॉम ऑल अकाउंट्स. इसका क्या मतलब होता है, जैसा कि कहा या बताया गया हो, यानी किसी के बारे में अगर आप एक सुन के एक धारणा बना दें, एक ओपिनियन बना लें, तो उसके लिए आप ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम ऑल अकाउंट्स, यानी कि ऐसा कहा सुना गया है कि. ओके, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा. एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ बाय ऑल अकाउंट्स अ सुपर्ब टीचर. ही इज़ बाय ऑल अकाउंट्स अ सुपर्ब टीचर यानी कि वो एक सुपर्ब यानी एक शानदार शिक्षक है, ऐसा कहा सुना गया है. ये आप बोलते नहीं एग्जैक्टली इसका मीनिंग, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है. जैसा कि कहा सुना गया है ऐसा आप नहीं बोल सकते, जैसा कहा सुना गया है वो एक शानदार शिक्षक है, ऐसा नहीं. ही इज़ बाय ऑल अकाउंट्स अ सुपर्ब टीचर यानी ओवरऑल वो एक शानदार शिक्षक है, ऐसा जाना जाता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, फ्रॉम ऑल अकाउंट्स केरला इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट. फ्रॉम ऑल अकाउंट्स केरला इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट यानी केरल एक घूमने के लिए एक अद्भुत जगह है. और फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आप ऐसा बोलते हैं तो इसका सिंपल मीनिंग ये हो जाता है कि ऐसा मान्यता है, कहा सुना गया है. ओके, नेक्स्ट फ्रेज है हमारी लिस्ट में फॉल इन टू लाइन. फॉल इन टू लाइन का मतलब होता है अनुशासित हो जाना. एग्जाम्पल देखिए, टेरराइज वन एंड द रेस्ट विल फॉल इन टू लाइन.
टेररराइज वन एंड द रेस्ट विल फॉल इन टू लाइन, यानी एक को डराओ बाकी सारे अनुशासन में आ जाएंगे। फॉल इन टू लाइन या फॉल इन लाइन दोनों इंटरचेंजेबल हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं फॉल इन लाइन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर। द स्टूडेंट्स हु फेल टू फॉल इन टू लाइन विल बी सस्पेंडेड। द स्टूडेंट्स हु फेल टू फॉल इन टू लाइन, यानी वो विद्यार्थी जो अनुशासन का पालन नहीं करेंगे will be suspended, उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो fall into line भी अच्छा phrase है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा last phrase जो कि है go blank। ये एक बहुत ज़्यादा बोलचाल वाला phrase है, बहुत ज़्यादा ऐसे ही चालू language में use होता है। go blank का मतलब होता है सुन्न हो जाना या एकदम से सब कुछ भूल जाना। किसी को आप देखो और अगर आप blank चले गए, इसका मतलब कि आप सब कुछ भूल चुके हो। ओके, go blank, सुन्न हो जाना। एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर। Whenever I see her, I go blank. Whenever I see her, I go blank. यानी मैं जब भी उसे देखता हूँ मैं सब भूल जाता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, When I saw the exam questions, my mind just went blank. When I saw the exam questions, जब मैंने एग्जाम यानी परीक्षा के प्रश्न देखे, my mind just went blank. तो मैं सब कुछ एकदम से भूल गया, मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया, मैं सुन्न हो गया। तो गो ब्लैंक का मतलब होता है सुन्न हो जाना। तो यहाँ पर हमारे फ्रेसेस की लिस्ट ओवर होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, उसे देखकर आप ब्लैंक नहीं हुए हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सो ये वीडियो सिर्फ यहीं तक था, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो में बताए गए फ्रेसेस आपको पसंद आए और अगर जो मैंने फ्रेसेस बताए हैं वो आपको यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में बताया गया कौन सा फ्रेज आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने दो दो एग्जाम्पल हर एक फ्रेज के ऊपर बताए तो हैं, पर अगर आप भी सोच के कुछ इनोवेटिव सा सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें आपकी प्रैक्टिस भी बहुत होगी। और आप बना ही लेंगे तो कॉमेंट कर देना, मुझे पढ़कर खुशी होगी कि मुझे जानने मिलेगा आप कितना सीख रहे हैं, राइट? तो सेंटेंस बनाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, आई विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट फर्स्टली। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाते हैं। नए नए वर्ड्स आपको डेली 10 वर्ड सीरीज चल रही है, तो वो भी आपको सीखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन सेंटर एक बहुत अच्छा चैनल है आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, उसके लिए सिंपली जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।